उन्ना रेप पीड़िता की देर रात मौत हो गई, लेकिन सवाल है कि आखिर सख्त कानून के बावजूद अपराध रुक क्यों नहीं रहे हैं। इस मामले को लेकर बीजेपी नेता नवीन कुमार से बात की हमारे संवाददाता ललित नारायण कांडपाल ने। एनकाउंटर के बाद कल रात आखिरकार उन्नाव की जो पीड़िता थी, जो अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, उसने अपना दम तोड़ दिया, जिसके बाद अब पूरे देश में उसके लिए संवेदनाएं और श्रद्धांजलि का दौर शुरू हो गया है। मेरे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी के नेता और प्रवक्ता नवीन जी। नवीन जी, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले इस घटना पर, जो कि हृदय विदारक घटना हुई है और जिस तरह से पीड़िता ने कल अपना दम तोड़ दिया? बहुत ही दुखद घटना है। उस घटना पे बोलने के लिए शब्द नहीं होते। कई बार आप शब्दकोश में ढूंढेंगे भी किसी को, अगर आप ऐसी विधेयक विदारक घटना है ये, किसके बारे में आप शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकते। उस शोक संपत्त परिवार के प्रति हम बेशक अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर लें, संवेदना अर्पित कर लें, लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि संवेदना तब होगी कि जब जो दोषी है उनको फांसी हो जाए। मैं चाहता ये हूँ कि इस पर जल्दी से जल्दी ये चार्जशीट सबमिट हो और दोषियों को फांसी की सजा मिले। एक जिस तरह का सेंटिमेंट कल हमने देखा कि हैदराबाद में हुए एनकाउंटर के बाद पैदा हुआ, लोगों ने बड़ा जश्न मनाया और अब लोग ये कह रहे हैं कि उन्नाव में भी वही होना चाहिए जो वहाँ पर हुआ। कभी भी मैंने 3 दशक के आसपास इस क्राइम को बड़े करीब से कवर किया है, मैं जानता हूँ, देखा है मैंने, लेकिन इस प्रकार से किसी भी घटना में इसको न्याय नहीं कह सकते। बेहतर होता तेलंगाना पुलिस, जैसे कि शिवराज सरकार ने कई बलात्कार के केस में 7 दिन में चार्जशीट सबमिट करी और 14 दिन में फांसी की सजा की घोषणा हो गई, सजा मिल गई अदालत से, जल्दी एक्सप्रेस करा के फांसी दिला देते 10 दिन में 15 दिन में, संविधान के अनुसार काम करते, ज़्यादा बेहतर होता। अगर इस प्रकार से होगा तो कल को किसी को भी घटना में कोई भी आदमी मारा गया, लोग कहेंगे गलत है, सच्चा होगा तो भी गलत है, अगर एनकाउंटर सही होंगे तो उसपे भी सवाल उठाए जाएंगे जिससे पहले उठाए जाते हैं, और गलत होगा तो उसपे तो लोग कहेंगे। तो अगर बेहतर होता कि तेलंगाना पुलिस अगर 7 दिन में चार्जशीट सबमिट करती और 15 दिन में फास्ट ट्रैक कोर्ट से उसको तुरंत सजा दिला देती, चाहे फांसी की सजा दिलानी चाहिए थी, इससे कम नहीं होनी चाहिए थी, और उसको जल्दी से जल्दी उसको फांसी हो जाती, इससे बेहतर कुछ नहीं होता। पीड़ित के पिता ने जो है कई बार, आज जब वो लगातार उनकी बयान आ रहे हैं, तो वो उन्होंने यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। सवाल ये है कि आप इसको शरिया कानून निदेश के अंदर लागू नहीं हो सकता, भारतीय संविधान है और भारतीय संविधान कहता है कि आप उसको न्याय के द्वारा सजा दें। मैं उसके पक्ष, सजा फांसी की सजा से कम नहीं होना चाहिए, मैं पक्ष में हूँ, लेकिन फांसी की सजा आप उसको 15 दिन में दिलाइए, फांसी 10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर चार्जशीट सबमिट कर डाली, आपके पास सारे एविडेंस है, लंबा करने की आवश्यकता क्या है, तुरंत फिटनेस कराइए और आगे हाथ क्या दे दीजिए, टाइम बाउंड करिए, सरकार उसको कहे, स्टेट गवर्नमेंट जो है हाईकोर्ट को अपील कर सकती है अगर वहां तक, कि इसको 10 दिन के अंदर निपटारा कर दीजिए, इस केस का फांसी की हो जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर साफ तौर पर जैसा कि बीजेपी का ये कहना है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से भी हो, काम संविधान के तौर पर होना चाहिए, जल्द किया जा सकता है और जल्द होना भी चाहिए। कैमरा पर्सन अनिल के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़।